हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सरसों वाली कद्दू की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने लिया है हरी मिर्च, सरसों, लहसुन और कटा हुआ कद्दू। सरसों, लहसुन और मिर्च को हम सिलबट्टे में पीस लेंगे। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, इसमें मेथी डालेंगे। मेथी हमारी लाल हो चुकी है, इसमें कटे हुए कद्दू डाल देंगे। कद्दू को हल्का भुनेंगे। अब इसमें हल्दी डाल देंगे। अब धनिया पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। अब सब्ज़ी में हम ये डालेंगे सरसों पीसी हुई, लहसुन मिर्च जो पीस रखा था वही डाल देंगे इसमें और हल्का भुनेंगे। कद्दू और मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे। सब्जी में पानी डाल दिया है मैंने, अब इसको ढक के 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है। लीजिए, हमारे सरसों वाली कद्दू की सब्जी तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और वीडियो को फुल वॉच करें।